हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रोहित गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल क्रैक कंपटीशन। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट एंड पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है। तो हम बात करेंगे किस पोस्ट पर आपकी रिक्रूटमेंट है, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। वेरियस ग्रुप सी पोस्ट पर आपकी भर्ती देखने को मिलेंगी, उसमें से आपकी स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट एंड स्टोर कीपर एंड अदर काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। तो आप सभी इसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हो, जितने भी इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। तो वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। रखते हैं, चलते हैं अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जिससे कि इजी भाषा में आपको, सरल भाषा में एकदम संपूर्ण जानकारी आपको दे सकें। इस वैकेंसी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखना है, साथ ही वीडियो को लाइक करना जितने भी लोगों ने लाइक नहीं किया है, एंड जितने भी न्यू व्यूअर्स हमारी वीडियो को देख रहे हैं आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिकॉज जो हमारे चैनल है, आप 10th पास हो, 12th पास हो या फिर ग्रेजुएट्स, अगर आपको ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन में बेस्ट वैकेंसीज कवर करता है हमारे चैनल ऑल ओवर इंडिया में, तो आप जिस भी सिटी एंड स्टेट से बिलोंग करते हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, आपको बेनिफिट मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट नोटिस 05/2022 आपकी ये भर्ती आउट हो चुकी है और काफ़ी अच्छी भर्ती है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और रेगुलर बेसिस पर रखी जाएगी, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर भी आपकी भर्ती है। पहले आपको एकदम फटाफट से पोस्ट बता देता हूँ, उसके बाद हम इसका आगे प्रोसेस डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो रेगुलर पोस्ट है आपकी, परमानेंट कह सकते हो उसे भर्ती, जिसमें आपकी सभी पोस्ट हैं। लेक्चर की पोस्ट है, एक पोस्ट है लेवल 10 की सैलरी जनरल के लिए है। रिहेबिलेशन थेरेपिस्ट की एक पोस्ट है लेवल 5 की सैलरी जनरल के लिए है। रिहेबिलेशन थेरेपिस्ट की एक पोस्ट लेवल 5 की सैलरी और जनरल के लिए है। जूनियर अकाउंटेंट की एक पोस्ट है लेवल 4 की सैलरी और जनरल के लिए है। और बाकी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पाने के लिए मैं आपको वेबसाइट भी बता दूंगा, लिंक भी दे दूंगा, एंड व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप पर भी प्रोवाइड कर दूंगा। लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको ज्वाइन होकर बेनिफिट मिलेगा। डेली बेसिस पे वैकेंसीज के अपडेट्स के कवर करते हैं हमारे चैनल। जैसा कि देख सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट है लेवल 11 जनरल की कैटेगरी की है। और ओरिएंटेशन मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर की एक पोस्ट है, सैलरी कैटेगरी आप देख सकते हो। क्लर्क की एक पोस्ट है। ये सभी जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट की एक पोस्ट है और सैलरी देख सकते हो आपको। और नेक्स्ट ऐसे ही सभी की है, एक लेक्चर इन स्पेशल एजुकेशन, लेक्चर इन वोकेशनल काउंसलिंग एक पोस्ट, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एक पोस्ट है, रिहेबिलिटेशन ऑफिसर की एक पोस्ट है, एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर की एक पोस्ट है, रिहेबिलिटेशन थेरेपिस्ट की 2 पोस्ट है, होम विजिटर की एक पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की 2 पोस्ट है, LDC की एक पोस्ट है, रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर की एक पोस्ट है, स्टोर कीपर की एक पोस्ट है। और सैलरी आप देख सकते हो, फिक्स आपकी सैलरी रखी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज हैं आपकी इस पोस्ट रिलेटेड। और कर्नाटका में आपकी ये रखी गई असिस्टेंट प्रोफेसर की एक सैलरी आप देख सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन की एक। तो ऑलमोस्ट सभी की एक एक वैकेंसीज आपको हर पोस्ट के हिसाब से देखने को मिल रही है। जॉब लोकेशन वगैरह फिक्स्ड हैं, एक एक पोस्ट है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं ये छत्तीसगढ़ वगैरह की, असिस्टेंट प्रोफेसर एक पोस्ट है, 70,000 आपकी सैलरी मिलने वाली है। बाकी जितने भी कैंडिडेट जो भी स्टेनोग्राफर LDC के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी 2 पोस्ट हैं। और स्टेनोग्राफर के लिए 30,000 और LDC के लिए 22,000 रुपीज़ आपकी जो भी सैलरी मिलने वाली है इस पोस्ट के हिसाब से। नेक्स्ट बात करते हैं किस तरीके से आपको इसके लिए एप्लीकेशन देना होगा। इसके लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करके इसके जो भी हैं एप्लीकेशन देने होंगे, और इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन हर एक चीज़ आप वहाँ से एक बार क्लियर आउट करके रीड आउट कर सकते हो। जैसे कि कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके भी पूछ सकते हो, कोई क्वालिफिकेशन, कोई क्वारी हो किस पोस्ट के हिसाब से कमेंट में पूछ सकते हो। ये वेबसाइट है, वहाँ पर ईजिली आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो और अप्लाई कर सकते हो इसका प्रोसेस वगैरह। तो मैंने जो आपको ये रिक्रूटमेंट बता दिया, आप इजीली इस वेबसाइट से हर एक चीज़ इसकी नोट आउट कर सकते हैं और एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। 7 दिसंबर से पहले पहले इसके एप्लीकेशन स्वीकार किए जाएंगे, तो आप वहाँ से इसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। क्वालिफिकेशंस, नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको वहाँ पर इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी आपको इसकी नोटिफिकेशन एकदम डिटेल वे में पढ़नी है तो आप हमारे को व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पर आपको अपलोड कर दी जाएगी, तो वहाँ से आप एकदम क्लियरफुली पढ़ सकते हो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज दिव्यांग, जिनकी आपकी डिपार्टमेंट में भर्ती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही डिपार्टमेंट है। और जॉब लोकेशन मैंने आपको पोस्ट वाइज बताई दी थी कौन सी रेगुलर है, और वो तो मैंने आपको नीचे बताई दी थी। जैसे ये रेगुलर पोस्ट है, नीचे कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट आपकी रखी गई है। बाकी जो भी स्टेनोग्राफर एंड LDC टाइप इसके लिए एप्लीकेशन देना चाहते हैं, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपकी भर्ती रखी गई है, तो आप इसके लिए जरूर आवेदन दें। और कोई क्वालिफिकेशन रिलेटेड कोई क्वारी है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक भी तो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऑफलाइन में और ऑनलाइन सेक्शन में बेस्ट वैकेंसीज के अपडेट्स हमारे चैनल आपको लाता रहता है डेली बेसिस पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर जरूर कर देना किसी एक खास दोस्त के साथ।